Hello everyone. This is Pavan Sharma and friends. I welcome you all to my channel. And guys, in this video, we would be discussing about the intraday stocks for fifteenth of June, and the day would be Monday. So let's talk about them. And guys, uh, do watch the entire video because there is a lot of things which we discuss during this video, and uh, you might miss uh, some important updates wherein I am trying to explain you uh, negative side, and you are going looking for at a positive side, which means half knowledge is always dangerous. So pura video sunenge. तो एक जो इंफॉर्मेशन एक कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीट रहता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड बिफोर मूव ऑन टू द स्टॉक्स बात करते हैं मार्केट डैशबोर्ड के बारे में मार्केट डैशबोर्ड वो सेक्शन होता है काज जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मार्केट का हाल और जहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट के ऊपर और नीचे जाने का रीजनस तो कल मार्केट का एक ड्रामेटिक कह लीजिए बहुत रेयर होता है जो पूरे ऐसा हमें मूव देखने को मिलता है ऑलमोस्ट लाइक मार्केट ने 300 हंड्रेड पॉइंट से ज्यादा रिकवर किया है कल major gap down open हुआ और और लगातार ऊपर चला गया 70 थ्री हंड्रेड पॉइंट रिकवरी हुआ. अच्छा, आया क्यों एक तो रिलायंस में मेजर बाइंग था okay, और उसके बाद में जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें मेजर बाइंग आया तो इन दोनों की वजह से काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स हमें देखने को मिली एंड वी फाइनली एंड इन ग्रीन एट द एंड ऑफ द डे तो अगर आप सेंसेक्स देखेंगे 242 अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो 129 hmm. और लेकिन यूएसडी एस अब धीरे धीरे थोड़ा सा वीक हो गया है लगातार अभी हम 75.55 पर चल रहे थे लेकिन अब लुकिंग एट आवर इकोनॉमिक कंडीशन इट सीम्स दैट वी आर गोइंग टू लुक एट सेवेंटी वंस अगेन अच्छा अगर आपने दो दिन से नोटिस किया हो तो हमारा जो है एफ फिर से सेलिंग से पे चल रहा है और डी बाइंग पे चल रहा है लेकिन कल हाँ डी ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग किया एफ से ज़्यादा इसीलिए इतनी मेजर जो है हमने रैली देखी तो चलिए आगे बढ़ते हैं और गाइज़रा प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट या आप कह लीजिए एडवाइज़ जो भी आप समझिए देखिए पैसा आपका है मेरा नहीं है लेकिन आप हमेशा एक बात रह, याद रखिएगा कि अगर साथ चलना है तो पैसा बचा के चलना है अगर हम आप चाहते हैं कि अगले साल 2021 2022 में भी हैं तो अगर आप मेरे साथ अगले साल तक हैं तो मान के चलिएगा कि आप प्रॉफिट में भी हैं और आपने पैसा भी बचा लिया है मतलब जो आपका पैसा है वो तो बच ही गया है उसके ऊपर से आपका प्रॉफिट आया है और वो कैसे होगा आज बचाएंगे तभी कल वो काम आ पाएगा सो प्लीज कीप दैट इन माइंड दैट ऑलवेज सेव योरसेल्फ फ्रॉम बिग लॉसेस बिग लॉस एक या देखिए हमारे हाथ में एक मेजर चीज होती है कि ओवरनाइट तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन अगर आप इंटरडे में आते हैं ना तो बड़े लॉसेस को मत लीजिए अपना स्टॉप लॉस छोटा रखिए और अपने कैपिटल से बड़ा अपने आप को जो है पोजीशन मत लीजिए एक पुरानी कहावत है हिंदी में कि पैर उतने ही फैलाएं जितनी आपकी चद्दर हो तो मतलब कहने का ये है गाइज कि इट माइट साउंड रूड ऑल्सो लेकिन जब आप अपने कैपिटल से बड़ा रिस्क लेते हैं तो कभी कभी वो रिस्क काम नहीं करता और अगेंस्ट में चला गया तो आपका बड़ा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता है तो कैपिटल सेव करते रहेंगे तो आगे अगले 2021 में भी साथ रहेंगे एंड वी विल बी मेकिंग मनी और अगर कल के रिकैप के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ रिकैप में था नहीं इतना मेजर गैप डाउन के बाद में हम ज़्यादा मूवमेंट को नहीं कैप्चर कर सकते बिकॉज जब बहुत ज़्यादा मेजर गैप डाउन होता है तो स्टॉक की मूवमेंट या मेजर गैप अप होता है तो एक हमारे लेवल्स की मूवमेंट वो कहीं काम नहीं करती जब हमारे लेवल आसपास में भी नहीं है तो क्या करेंगे और हाँ अगर कहेंगे तो भारतीय में एक छोटा सा मूवमेंट बना अदरवाइज मैं उसको भी नहीं मानता बट क्या होता है कि डेटा वाइज अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट भारत में हिट हुआ अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि उसमें भी कोई ज़्यादा मेजर मोवमेंट नहीं था सो दैट वॉज द प्रीवियस डे रिकैप जिसमें हमने बात किया था और चलिए बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में मैंने पहला पिक लिया है एस्कोट का एस्कोर्ट का रीजन क्या है पहले वो समझिए एस्कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो अगर लास्ट के टेन कैंडल्स को आप मॉनिटर करेंगे तो बार बार एसकोर्ट उसी लेवल पे आके रुक रहा है विच मीन्स अराउंड 950 से ऊपर और 1000 के अराउंड और अगर ये एक बड़ी मूव चलेगी तो मुझे लगता है एक बार ये कोशिश करेगा कि 1000 को दोबारा अचीव किया जाए और इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आए क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स तो कहीं से भी अभी पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हो लेकिन अभी करंट कंडीशन में ऐसा नहीं है और जो ये रैली लग रही है ये ऐसा है कि न से ऑपरेटर प्ले या फिर आप डी आई को कह सकते हैं और वो फटाफट बाई कर के सारा रिकवरी उसने कर लिया और बिकॉज ऑफ दैट मार्केट हैलिंग में बनाए गए थे तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी ये रन जो बुल मूव का है अभी ये कोई इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं तो चलिए बात करते हैं एसकोर्ट के लेवल्स के बारे में तो एस्कोर्ट का जो करंट क्लोजिंग नाइन सेवनटी सेवन का है तो मैंने थोड़ा सा 990 के ऊपर बाय के लिए उसका लेवल देखा है बिकॉज अगर आप लास्ट की 10 कैंडल्स देखेंगे तो 988, 987 के आसपास बार बार आके रुक जा रहा है विच मींस अगर वो 990 को क्रॉस कर लेगा और वहाँ कुछ देर ट्रेड करेगा तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट वन होगा सेकेंड टारगेट वन रहेगा और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा नाइन का रहेगा लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि मिक्स चल रहा है और अभी जैसे आपने सुना भी होगा ताइवान के लिए ताइवान इज डूइंग टेस्टिंग एट द चाइना बॉर्डर क्योंकि सुनने में ये आया है कि चाइना ने कहा कि वो ताइवान पे कब्जा करके दिखाएगा तो ताइवान ने अपनी फोर्स दिखानी शुरू कर दी है एंड वो एक तरह से uh, चाइना को इंसाइट कर रहा है कि तुम आओ मैं देखता हूं तुम्हें और ये एक मौका होगा जो वर्ल्ड को चाहिए है चाइना को नीचे गिराने के लिए लेकिन जो सुनने में आ रहा है देखिए आई था कि I'm, I'm दिस पॉलिटिकल एनालिस्ट बट ये सुनने में आ रहा है कि जो चाइना का फोर्स है वो सिर्फ दिखाने के लिए बड़ा है एक्चुअल में नहीं है रीजन बींग बिकॉज ऑफ देयर एज फैक्टर उनके जो मेजर जो सोल्जर्स हैं वो एज में बहुत ज़्यादा हैं एंड दे माइट नॉट है बिग फाइट सो दैट्स वाई तो इसी वजह से हो सकता है एक हमारा जो है नेगेटिव भी जा सकता है मार्केट और अभी जो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ ने भी अब हाथ क्या कहते हैं एक दूसरे का पकड़ना शुरू कर दिया है अगेन चाय तो दैट विल गोइंग टू हेल्प अस तो अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ठीक है अगर नेगेटिव रहा तो एसकोर्ट को हम सेल करेंगे 965 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 975 का फर्स्ट टारगेट रहेगा 955 का सेकंड टारगेट रहेगा 945 का और गाइस अभी आपने कुछ मिस नहीं किया अभी तो रैली शुरू भी नहीं हुई है अभी रैली शुरू होगा रैली जब शुरू होगा तो मैं आपको प्रॉपर्ली वीडियो के थ्रू आपको अपडेट रखूंगा और आपको अच्छे स्टॉक्स भी प्रोवाइड करूंगा दैट ये वाले स्टॉक्स बहुत अच्छा होगा आप लोगों ने बहुत बार पूछा था मेरे से अबाउट शॉर्ट टर्म ऑल्सो तो याद कीजिए मैंने आपको आर बैंक बताया था वेन आर बैंक वॉज ट्रेडिंग अराउंड वन एंड नाउ इट इज एट वन तो सोचिए आपको ऑलमोस्ट सिक्सटी पॉइंट्स का सिर्फ कुछ दिनों के अंदर आपको रिटर्न मिल गया है तो ऐसे स्टॉक्स मेरे पास रहेंगे अभी जैसे शुरू होगा आई विल अपडेट यू लेकिन पैसे बचा कर रखिए उस अपडेट के लिए चलिए अगला है मेरा एम का राइज और अभी तक आपने सम्... हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पे सब्सक्राइब बटन होगा जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड वेन यू सब्सक्राइबर्स डू लाइक अस इफ इन केस यू लाइक द वीडियो क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी नया अपडेट होगा यू विल गेट द अपडेशन एंड वी विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम यू दैट इज वी आर डूइंग द राइट थिंग टू हेल्प यू आउट और चलिए एम के बारे में बात कर रहे हैं तो एम का भी एक अगर यहाँ से देखेंगे ये वाला लाइन अब देखें ना ये वन जीरो सेवन एट का और एन यहाँ कोने में देखेगा लेफ्ट साइड के कोने में आप देख रहे हैं ये ये जो है ये एक हर्डल रहेगा एम के लिए अगर ये बाइक उसके ऊपर ब्रेक करेगा तो एम के पास में नेक्स्ट टारगेट यहाँ निकल के आएगा दैट इज़ समथिंग अराउंड वन थाउजेंड फ्रॉम करंट लेवल हंड्रेड पॉइंट फ्रॉम करंट लेवल तो इसके लिए हम इसको देखेंगे कहाँ बाय करना है तो अगर ये ब्रेक करता है उस लेवल को तो वो लेवल है 1085 का अगर उसको ब्रेक करता है तो एक अप्राइज देखने को मिलेगा फर्स्ट टारगेट 1095 जीरो नाइन फाइव का रहेगा सेकेंड टारगेट डबल वन जीरो फाइव का रहेगा अगर आप मैनुअली ट्रेल करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से अगर ये ऊपर जाता है तो वन थर्टी वन ट्वेंटी फाइव तक आराम से जा सकता है और इसमें आपको स्टॉप लॉस रहेगा वन जीरो टू फाइव का लेकिन अगर एम जी एल ने वो लेवल को टच करके बाउंस बैक किया और फॉल होना शुरू हुआ तो आप वन सेल करेंगे स्टॉप लॉस में आप 1075 का, 1055 का, 1045 का। guys, नहीं है ये एक फेक मूवमेंट है जो का परसों हुआ तो अगर आप छोटी छोटी बातों को क्लब करेंगे तो कहीं भी आपको बहुत सारी टेक्निकल की जरूरत नहीं पड़ती है एक एक को जिसको आप कहते हैं इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन नॉलेज आपके पास अगर सारा है और आपको उस नॉलेज को ऐड करना आता है एक दूसरे चीज़ के साथ में तो आप आराम से मार्केट को समझ भी पाएंगे और मार्केट को ट्रेड भी कर पाएंगे एंड इफ़ यू वांट टू लर्न द टेक्निकल पार्ट द टेक्निकल एनालिसिस अबाउट द मार्केट विच इंक्लूड चार्ट ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन ओपन इंटरेस्ट हैंडलिंग फियर एंड ग्रीड सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेजर रीडिंग News and and उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है सो यू कैन ज्वाइन टू अवर फॉर विच यू कैन वर्स नाइन सेवन डबल जीरो इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम ओके चलिए आगे बात करते हैं आगे हमारा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का अगला पेक जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट को भी देखिए जैसे मैंने अभी आपको एमजेल में दिखाया था यहाँ से पूरा जाते रहिए आप देख रहे ये वाला पॉइंट ये पॉइंट है फिर यहाँ पे है फिर देखिए पीछे जाते रहिए ये लास्ट पॉइंट अगर आप नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सिक्स से लेकर सिक्स एटी से, uh, से लेकर हंड्रेड के बीच में काफी रेसिस्टेंस है तो अगर ये अपने करंट रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देगा तो 700 आराम से टच करेगा और उसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन अगर वहां से ये नहीं कर पाया तो बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिलेगा इन श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो उसके लिए हमें क्या करना है हम उसको बाय करेंगे 691 के ऊपर पहला सीधा टारगेट हमारा सेवन का रहेगा टारगेट या 710 का भी आप रख सकते हैं इतना बड़ा वो ले लेगा और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा 684 का रहेगा का लेकिन अगर श्रीराम ट्रांसपोर्ट ब्रेक करता है 677 को, 684. Here, हमारे पास में रिगार्डिंग टिप्स तो आपको टिप्स के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है हमें ओके okay? आप फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कीजिए वी प्रोवाइड यू अनकंडीशनल सपोर्ट देयर एंड यू डोंट हैव टू पे एनी चार्ज टू ज्वाइन एंड टू गेट दो स्टेप्स उसके लिए आपका पास में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है अदरवाइज यू कैन सर्च फॉर वूडू ट्रेडिंग्स और आप डायरेक्टली भी अपने टेलीग्राम से हमें सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं देखिए जब आप एक टिप्स प्रोवाइडर के पास जाएंगे तो पहले आपसे छः हज़ार मांगा जाएगा फिर आपका लॉस करा के फिर आपसे पच्चीस हज़ार मांगा जाएगा फिर पचास हज़ार फिर आपसे सेवेंटी फाइव थाउजेंड तक आपके आपसे मांगा जा सकता है क्यों कि जितना डरेंगे उतना पैसा आप अपनी जेब से लगाएंगे ताकि आपका रिकवरी हो सके आपकी रिकवरी नहीं उनका जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लीज़ मत कीजिए और ये बहुत पुराना गेम है एक हज़ार आपको कमेंट्स मिल जाएंगे वेर इन एवरीबडी सेज़ द सेम थिंग तो आप क्यों जाकर उनको पे करना चाहते हैं और मुझे भी क्यों पे करें यू कैन गेट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ओके तो चलिए अगली बात करते हैं आरबीएल बैंक को मैंने फिर से लिया है मैंने आपको परसों भी आरबीएल बैंक दिया था मैं फिर से ले रहा हूँ आरबीएल बैंक में भी बहुत मूवमेंट बाकी है अगर ये अपसाइड भी और डाउन भी अगर पॉजिटिव रहेगा मार्केट तो आरबीएल बैंक भागेगा क्योंकि आरबीएल बैंक के अंदर बहुत जो है अच्छे फंडामेंटल्स हैं और बहुत ड्यू बचा हुआ है आरबीएल बैंक के लिए तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं लेकिन अगर वो नीचे गिरेगा तो भी आपके पास में 100 पॉइंट्स तक इट कैन वन सेकेंड टच अराउंड हंड्रेड टेन टू हंड्रेड वन सेकेंड तो आरबीएल बैंक को हम बाय करेंगे वन के ऊपर स्टॉप लॉस हमारा रहेगा वन का फर्स्ट टारगेट वन का रहेगा वन का सेकेंड टारगेट रहेगा लेकिन अगर वो नीचे आता है मार्केट के साथ में तो 166 पे आप सेल करेंगे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 169 फर्स्ट टारगेट 163 और सेकंड टारगेट 161 का रहेगा इसमें और मैं बार बार देखिए अभी जो आपसे मैं बार, बार बार बात करता हूं मार्केट आज का कैसा है मैंने आपके कमेंट भी किया था कि अगर आपको यह लगता है कि ऑप्शन सिर्फ कम पैसे में ज्यादा कमाना है तो आप गलत सोचते हैं अभी ऑप्शन को जो हमने लिवरेज को कम किया है हाँ, जो एस ने लिवरेज को जो कम किया है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर आने वाला है इन कमिंग टाइम्स एंड इट विल गोइंग टू प्रमोट ऑप्शन ट्रेडिंग लाइक एनीथिंग एफआईआई ज्यादा पैसा ऑप्शंस में लगाती है डी पैसा लगाते ही नहीं ऑप्शन में तो सोचिए अगर एक एफ अगर वन थाउजेंड करोड़ पैसा लगा रही है तो उसमें से पांच सौ छह सौ करोड़ रुपए ऑप्शन में जा रहा है तो हम बिग दे आर लुकिंग टू अर्न फ्रॉम देस ऑप्शन और वॉलिटिलिटी और आपके लिक्विडिटी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है एंड यू टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग राइट अवे देन यू कैन ज्वाइन अस हमारे वीकेंड क्लासेस चलते हैं इन विच यू कैन जॉइन एंड टू हैव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटीज न कॉल और व्हाट्सएप ऑन नाइन सेवन डबल वन फोर डबल वन डबल जीरो सेवन चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में निफ्टी ने जो बड़ा मूव लिया है अब उसके पास जो अगला हर्डल है वो रहेगा टेन थाउजेंड का अगर वो टेन थाउजेंड को क्रॉस करता है तो हम एक मेजर मूव को कहेंगे कि वो कंटिन्यू करेगा अदरवाइज हो सकता है वो एक बड़ा सा मूव ले टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव फिफ्टी तक जाए और सीधा डाउनफॉल होना शुरू हो जाए तब आप सेल करेंगे तो उसमें आपका सेलिंग ऑन टॉप वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा तो उसमें आप अपना जो है बाय करेंगे तो हम बाय करेंगे टेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ट्रिपल नाइन जीरो का फर्स्ट टारगेट रहेगा टेन थाउजेंड वन हंड्रेड का और उसमें सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा टेन थाउजेंड वन फिफ्टी का लेकिन अगर निफ्टी क्लोज़ करता है निफ्टी ट्रेड करता है 9940 नाइन के नीचे देन वी गन टू इट इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 9975 नाइन फाइव का सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा 9975 नाइन फाइव का सेकेंड टारगेट 9850 एट फिफ्टी का और सेकंड टारगेट हमारा 98 एटन का रहेगा अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की देखिए अभी तो अगर मैं सही में बात कहूं तो सिर्फ निफ्टी बैंक है जो पूरे के पूरे जो निफ्टी को या हमारे मार्केट को बचा के रखा हुआ है मतलब पूरे मार्केट को होल्ड करके रखा हुआ है निफ्टी बैंक ने क्योंकि जो लास्ट वीक था बहुत बुरा वीक था हमारे लिए अच्छा वीक नहीं था लेकिन उस बुरे वीक को बहुत अच्छा बना दिया पिछले लास्ट दस सेशन से बैंक निफ्टी ने बे, आ, क्योंकि जो मेजर बाइंग आ रही है वो बैंक निफ्टी में आ रही है तो उस चीज को ध्यान रखिएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट द मूवमेंट ऑफ बैंक निफ्टी इज तो अगर बैंक निफ्टी ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा तो हम ट्वेंटी थाउजेंड सेवन फिफ्टी के ऊपर बाय करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड सिक्स सेवेंटी का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा फर्स्ट टारगेट ट्वेंटी वन थाउन्ड का रहेगा सेकेंड टारगेट हमारा ट्वेंटी वन वन हंड्रेड का रहेगा लेकिन अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव फिफ्टी को तब आप उसको सेल करेंगे स्टॉप लॉस सिक्स थर्टी का लेकर फर्स्ट टारगेट ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड का रहेगा सेकंड टारगेट ट्वेंटी थाउजेंड तक इमीडिएटली ड्रॉप करेगा और guys, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा विद येंशियल एडवाइजर्स जितने भी आपके क्वेश्चन हैं गाइज आप उनको लिखिए वी विल्पी टू आंसर ऑल ऑफ दैम राइट एंड कुछ लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल लाइक अप स्टॉक का लिंक है जीरो दा फाइव पैसे का मेरे टेलीग्राम का लिंक है और हमारे वेबसाइट का लिंक है सो यू कैन जॉइन अस देयर यू कैन गो टू द लिंक एंड यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इट एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वारी कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज आल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो है नाइस डे टेक केयर